फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल अभी तक सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जबकि वो बंगला कांग्रेस के मंत्री गुरु रुद्र कुमार को दे दिया गया है। अभी तक बंगला खाली न करने की वजह से रुद्र कुमार आहत हैं। बता दें कि दिसंबर में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रशासन ने सरकार के सभी 12 मंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित किए थे। सभी मंत्री अपने अपने बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। गुरु रुद्र को उनकी पसंद पर बृजमोहन अग्रवाल का यह बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन वे अब तक उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। गुरु लोधीपारा चौक स्थित अपने पैतृक निवास में रह रहे हैं, जहां पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। कांग्रेस की सरकार बने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन बंगला न मिलने की वजह से गुरु रुद्र के सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल अपनी पारिवारिक परेशानी बताकर बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। इस पर गुरु रुद्र ने कहा है कि अब बृजमोहन अग्रवाल जी को समझना चाहिए कि उनकी सरकार नहीं है, समस्याएं सबके साथ रहती हैं, लेकिन एक समय तक सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अब सरकार बने 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए। गुरु ने कहा, उनसे ज्यादा समस्याएं तो मुझे हो रही है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर कोई आता है तो उसे वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिलती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे कारण चौराहे पर जाम लगता है। गुरु ने कहा कि मुझसे मिलने प्रदेश भर के लोग आते हैं। समाज का गुरु होने के कारण समाज के भी कई लोग लगातार मिलने आते हैं। समाज के लोग कई बार कह चुके हैं कि बंगला खाली कराने के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैंने ही उन्हें शांत करा रखा है। लेकिन सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।